की वीडियो बना और चाहते हो बचाना तो ये भी टूट जाए। नहीं बना लो, अभी तो हम ना आते तो बनता नहीं। बनवाया के किसकी तरह बनवाया करते, बुलाइए अपने उच्च अधिकारी, बुलाइए कह दीजिए कि विधायक जी खड़े हैं नहीं बनने दे। मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ बनाया करके, जिसकी हैसियत हो बनाया करके। आप यहाँ के एसओ हो, आपकी जिम्मेदारी है सचो हो, दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए, एक फैसला करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर कोई बात में सहमत हो जाते तो उस पर आप काम कर लेते, ये कर लेते हैं। नहीं अब क्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बुलाइए सब लोगों को, ये जो बचा है ये भी टूट जाए। अभी हम पूरे बिठूर के निकलवा रहे हैं मंदिर इतने से, अब मस्जिद यही हो जाए बिठूर में। सौहार्द बिठूर के किसी एक मुस्लिम को दिक्कत नहीं। बेकरगंज चमनगंज के लोग आके यहाँ बिठूर में करेंगे तय। बिठूर का एक मुसलमान नहीं आया यहाँ आज तक कहने के लिए कि यहाँ कहाँ मस्जिद कहाँ कोई विवाद। आज सुबह भी कुछ मुस्लिम आए हमसे मिल करके संतुष्ट होकर गए कि भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग बाद में फैसला करोगे हम मानेंगे। और पुलिस आकर के मस्जिद बनवाएगी, पुलिस के बाद मस्जिद बनवाने का काम लाइए। समाधि है क्या? समाधि है बाबा जी की समाधि है। समाधि है, करिए कार्यक्रम इसमें हमेशा। जो इसको जो एक धमकी दी गई रिकॉर्डिंग है उसके एफ आई आर तो नहीं दी गई? जी उसको उसी घटना में सम्मिलित किया गया है जो मुकदमा लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? वो अज्ञात मुकदमे लिखे गए थे। अब इसमें नाम प्रकाश में आ गया है इसका, जिसने धमकी दिया था मुदस्सर शाहरुख। उसको बढ़ा करके इनके बयान लीजिए, इनको दिखाइए। इनका इन्हीं का तो बयान लिया है, स्टेटमेंट पूरा इन्हीं का दिए है। हटा का रहा तसला रख कर रहने दो, वैसे ही हटो हटवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? वैसे रहने दो जैसे है। हेलो अभी वीडियो बना लो, हटा लो हटा लो तो हटाते हुए का वीडियो भेज दो। जो इसको जो एक धमकी दी गई रिकॉर्डिंग है उसके एफ आई आर तो नहीं दी गई? जी उसको उसी घटना में सम्मिलित किया गया है जो मुकदमा लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? वो अज्ञात मुकदमे लिखे गए थे। अब इसमें नाम प्रकाश में आ गया है इसका, जिसने धमकी दिया था मुदस्सर शाहरुख। उसको बढ़ा करके इनके बयान लीजिए, इनको दिखाइए। इनका इन्हीं का तो बयान लिया है, स्टेटमेंट पूरा इन्हीं का दिए है। हटा का रहा तसला रख कर रहने दो, वैसे ही हटो हटवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? वैसे रहने दो जैसे है। अरे अभी वीडियो बना लो, फिर हटा लो हटा लो हटाते हुए का वीडियो भेज दो। तोड़ा गया वो तो गलत किया ही गया। क्या रिकॉर्ड, क्या आपके पास प्रमाण है तोड़ा गया? क्या प्रमाण है तोड़ा गया? प्रमाण क्या उसने नहीं, अगर तोड़ा गया है तो बनवाओ। होता गया था बनवाओ, ये तो हम कह रहे हैं बनवाओ। इसको बनवाया के किसकी तरह बनवाया करके, बुलाइए अपने उच्च अधिकारी को, बुलवाइए कह दीजिए कि विधायक जी खड़े हैं नहीं बनने दे रहे। मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ बनाया करके, जिसकी हैसियत हो बनाया करके। बिल्कुल और खराब करना चाहते हो सब लोग, कर लो आकर के। हम कह रहे हैं तोड़ा गया बनाया करके, जिसकी क्षमता। क्यों भाई, कितना पहले से टूटा हुआ था, क्या था यहाँ? जैसा है वैसा ही था पहले भी ऐसा ही था। देखिए दवाओं में काम नहीं होगा ना, या आपने सबको लिया सब संज्ञान में लिया, दोनों पक्षों को बुलाया, कोई निर्णय किया आपने? आप यहाँ के एसओ हो, आपकी जिम्मेदारी है सचो हो, दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए, एक फैसला करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर कोई बात पे सहमत हो जाते तो उस पर आप काम कर लेते, ये कर लेते हैं। नहीं अब क्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो होना था वो हो गया। क्या बताया, अभी नया काम क्या हुआ है? इसकी वीडियो बनाओ, जो अभी की स्थिति है इसकी वीडियो। वो उस तरफ लगी उधर का, उस तरफ देखो उस तरफ रखा है सामान। अभी क्या करना है आपको, बनाना है? अगर तत्काल बनाना हो तो आप बताओ, तो उस तरह की हम व्यवस्था करें। और अगर अभी आपका कोई निर्णय हो रहा हो तो बताओ, आप अपने बात करिए और मुझे बताइए, वही अभी तय होगा। अगर वो कह रहे हैं बनाना है, हम कह रहे हैं नहीं बनेगा, या आप उनको बना। आप तय करिए, अभी बताइए, ये रो नहीं चलेगा।
बुलाइए सब लोगों को, ये जो बचा है ये भी टूट जाएगा। बिठूर हमारी एक धर्म नगरी है और ये इधर विगत हफ्ते भर से एक विषय चल रहा है कि कुछ कानपुर शहर से, हमारे बिठूर के नहीं लेकिन कानपुर के कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग गए हैं और एक वहाँ प्राचीन स्थान है जिसमें बराबर हिंदू वर्ग के भी लोग वहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं, वहाँ पर उनके द्वारा नमाज पढ़ी गई, फिर वहाँ का वहाँ पे तनाव की भी खबरें आईं, लेकिन धीरे से मामला क्योंकि बातचीत संवाद से रुक गया था और ये हो रहा था कि बाद में इसकी चर्चा होने के बाद में तय किया जाएगा, लेकिन आज मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि सुबह प्रशासन ने जा कर के, एसओ ने खुद जा कर के वहाँ पर कुछ काम शुरुआत कराई और उसको ये कहा गया कि जो मस्जिद का रूप उसको दिया जा रहा है, तो वहाँ तनाव की स्थिति हो रही थी मुझे जानकारी मिली, तो मैं मौके पर गया, एसओ से भी बात हुई, एसएचओ से, तो उसने कहा, मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे कहा है, निर्देशित किया है, तो वहीं जा कर के मुझे मौके पर जाके काम को रुकवाना पड़ा। और बिठूर एक धार्मिक स्थान है, बिठूर में जहाँ पे आप जाके देखेंगे बगल में ब्रह्मावर्त घाट है, बगल में गंगा जी हैं और जानबूझ के कुछ लोग वहाँ पर एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं, बाहर के लोग जाकर के बिठूर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्या वजह है कि जहाँ मंदिर है वहीं पर मस्जिद की बात की जा रही है, कहीं और भी हो सकती है? क्या बिठूर थाने एसओ के पास कोई कोर्ट का आदेश भी था? कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं है, होता तो मुझको दिखाते, मुझे तो कोई आदेश नहीं दिखाया गया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बिठूर एक हमारा शांति प्रिय स्थान है, आप इतिहास उठा के देखिए, बिठूर में हमारे कभी भी इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली, पहली बार बाहर के लोगों ने आकर के बिठूर के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं नहीं होने दूंगा और बिठूर में जो एक अच्छा माहौल है उसको बना के रखने का काम। अच्छा, बिठूर एसओ हमेशा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है, ये विषय देखिए, बिठूर एसएचओ और पुलिस की जिम्मेदारी डीआईजी एसएसपी की है, उच्च अधिकारियों की है, मेरा काम है क्षेत्र में सौहार्द कायम रखना और अच्छा माहौल बनाए रखना और उसके बीच में जो भी बाधक होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इससे सौहार्द बिगड़ सकता था क्षेत्र? बिल्कुल बिगड़ सकता है और आने वाले समय में अगर इस तरह की बातें हुई, इस तरह की घटनाएं हुई, तो इसके लिए निश्चित रूप से प्रशासन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जबरीन मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था, प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा, लेकिन ये मेरे होते हुए हो नहीं सकता है और ना होगा। इसी मामले में क्षेत्राधिकारी से बात हुई तो उन्होंने सामने आया कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं, तो जो जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज अगर अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से अगर कोई अधिकारी बचना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। कुछ मिला के विधायक इस पर कार्रवाई करवाएंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और वो धार्मिक स्थान है, अभी हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना भी होगी, आरती भी होगी, किसी भी हमारे हिंदू भाई को वहाँ पर जाने से रोका नहीं जाएगा, ऐसी हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं।